जी वकार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दी मेरी इनफॉरमेशन है एक अल्लाह करीम दी नेमतां दे विच्चों एक बेहतरीन नेमत जिसनू कहिंदे ने गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी जिहड़े ज़ियाबीता शकरी दे मरीज़ ने, जिन्हां दे ब्लड दे विच शुगर है, ब्लड शुगर दे मरीज़ ने, जिन्हां दे जिस्म दे विच मिठा बहुत फैल गया है, उन्हां वास्ते अल्लाह करीम ने गुड़मार बूटी पैदा कीती है। उहदी कोई भी आम थर्ड क्लास आदमी, कोई भी समझदार आदमी, कोई भी आम आदमी इस बूटी का अद्धा एक पत्ता मूँह रख के चबा लवे। चबाण तो बाद तुसीं गुड़ खा लो, रसगुल्ला खा लो, बर्फी खा लो, चीनी खा लो, कोई भी मिठी चीज़ खा लो, इंशाअल्लाह ताला तुहाडा मूँह उसका जायका नहीं महसूस करेगा। गुड़ का जायका ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल फिक्का, तुहानू पता ही नहीं होगा कि असी मिठा खा दिया कि नहीं। यानी कि मिठे नूं यह मार देंदी है, इस वास्ते इहनू कहिंदे ने गुड़ मार बूटी। बजाते खुद बूटी का रायका फिक्का है और जदों यह पक के तैयार हो जाती है, मार्केट आ जाती है, तो भूरे कलर च आती है। रायका इहदा फिक्का है और यह तकरीबन हिंदुस्तान के जनूबी वस्ती इलाके दे विच राजपूताना, दक्कन वगैरह वगैरह उन्हां इलाकियां दे विच पैदा हुंदी है और उत्थों ही मतलब पाकिस्तान में जा जाती है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों ते मिल जाएगी, लेकिन पंसार स्टोर ते आम मिल जाती है जी। किसी भी पंसारी स्टोर को जाके तुसी लै लो कि गुड़मार बूटी दिओ जी। गुड़मार बूटी की खुराक है जी 3 मासे तो लैके 6 मासे तक। अगर तुसी उसका सफूह बना के रख लिया है तो तुसी 6 मासे की मकदार के पानी के बैल कर लो, उबाल लो, उबाल के पी लो 3 से 4 दफ़ा डेली पीण नाल। और हाँ, करेला खुश्क और किकर दी कच्ची फली, खुश्क फली सुकी हुई, किकर दी फली, करेला खुश्क और गुड़मार बूटी ये बराबर वजन तुसी लै लो। इसनू ग्रैंड करके रख लो, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करो। ज़ियाबीता शकरी नू बहुत फायदा करेगी, बहुत फायदा करेगी। एलोपैथी दे पैथी दे विच तां इहदे टेंचर वगैरह मुरक्कबात बनते हैं, जख्मां ते इस्तेमाल हुंदी है, जख्मां नू खुश्क कर देंदी है, मिठे नू भी खत्म कर देंदी है। और जहर जिहड़ी है असाबी जहर और सफरावी जहर उस नू भी खत्म कर देंदी है। यह बहुत आला किस्म की बूटी है जी गुड़मार बूटी। एक अरसे तो यह नाम मेरे दोस्त सुन रहे हैं, अज मैं महसूस किया कि यह गुड़मार बूटी की इनफॉरमेशन मैं अपने दोस्तों तक पहुँचावा। दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अल्लाह करीम थानू हमेशा तंदुरुस्त रखे, सावा सौखा रखे, हमेशा खुश रहो जियो।